और न्यूज वन इंडिया पर उत्तर प्रदेश के आईआईडीसी और अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का ग्लोबल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर बयान आया है। उन्होंने सबसे पहले न्यूज वन इंडिया पर बयान दिया है, क्या कुछ कहा है सुनिए। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त, साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव मनोज सर। सर, जिस तरीके से आज एक बड़ा आयोजन, उत्तर प्रदेश ने कई आयोजन किए हैं, पहली 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2,10,000 करोड़ और आज चौथी 10,00,000 करोड़ से ज्यादा, 14,000 करोड़ से ज्यादा परियोजनाएं, क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है उत्तर प्रदेश के लिए और औद्योगिकरण के लिए। और पहला जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ था वो 60,000 करोड़ का था 2018 में, और ये रफ्तार है यूपी की, जो कि आज की तारीख में 4 साल नीचे आप देख रहे हैं कि 10,00,000 करोड़ की परियोजनाओं का एक साथ शिलान्यास हो रहा है। इसमें 14,000 से ज़्यादा परियोजनाएं शामिल हैं और लगभग 34 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट करेंगी। तो इससे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को हासिल करने का, उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा। सर, आपने जिस तरीके से लगातार प्रयास किया है, विभिन्न जगहों के दौरे किए हैं, कई जगह रोड शो हुए हैं देश में भी और बाहर भी, तो मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का हर जिला जो 75 जिलों में है सभी का ध्यान इसमें रखा गया है। ये इस बार एक बहुत नई चीज़ हुई है। पहले ज़्यादातर प्रस्ताव वेस्टर्न यूपी के लिए आते थे, लेकिन इस बार ईस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी, बुंदेलखंड में भी लगभग 6% प्रस्ताव आए हैं। वहाँ की आबादी भी लगभग उत्तर प्रदेश की 6% के बराबर है, तो एक तरह से पूरे प्रदेश में जो ये औद्योगिकरण का चल रहा है नया वेव, उसका फायदा हर जिले को मिल रहा है। मानते हैं सर, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी आप लेकर आए हैं उससे उद्योगपतियों को ज्यादा फायदा हो रहा है, यही एक वजह है कि वो ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं? सबसे बड़ी तो एक उनके भरोसे की बात है, उनका उत्तर प्रदेश के प्रति भरोसा बढ़ा है, और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, और खास करके वो लॉ एंड ऑर्डर और जो स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसीज है वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। इसके अतिरिक्त जो उत्तर प्रदेश है वो पहला राज्य है जिसने FDI और Fortune 500 के लिए एक विशेष पॉलिसी बनाई है, जिसमें फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी वगैरह देने की बात है। तो इन सब चीज़ों की वजह से उद्योगपतियों का निवेश और आकर्षण उत्तर प्रदेश के प्रति बढ़ा है। एक्सप्रेस वेज हो या फिर उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी हो, मानते हैं सर बड़ी भूमिका आज निभा रही है। एक्सप्रेस वे का बहुत बड़ा योगदान है, और जो एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, खास करके लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, उनका डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होता है सही एक्सप्रेसवे, सही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के IIDC मनोज कुमार, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रयास किए हैं आज वो फलीभूत हो रहे हैं, और यही एक वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है, कानून व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सप्रेस वेज है, एयर कनेक्टिविटी है, जो उत्तर प्रदेश को बेहतर बना रहे हैं, और इन सब चीजों से मिलकर निवेशकों का उत्तर प्रदेश पर भरोसा बढ़ रहा है। उस भरोसे की वजह है कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया।